वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो पुडिंग, तो उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। आगे इससे आगे शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स किया करें, बताया करें। जो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें मैंगो पुडिंग के, मैंने मैंगो लिए आधा किलो, मैंने मैंगो लिए दो मैंगो इस तरह से ले लिए और इसको मैं अभी काट के और फिर मैं इसको प्यूरी कर लूँगी, इसको ग्लैंडर में आके ग्लैंड कर लूँगी और इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितनी शुगर डालूँगी और इसमें डाल के इसको मैं ग्लैंड कर लूँगी। ठीक है, जब तक हम क्या कर लेते हैं, हमने अंडे लिए हैं 3 अदद, मैंने अंडे लिए हैं इस तरीके से, चीनी लिए मैंने आधा कप के जितनी, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबलस्पून के जितना, मैंगो एसेंस लिया है आधा चाय का चमचा और इसके अंदर मैंने दूध लिया है 3 कप, मैंने दूध लिया है 3 पाव जितना, मैंगो एसेंस लेंगे हम आधा चाय का चमचा। ठीक है, तो ये मैंगो मैंने काट लिए हैं और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून चीनी डाल के इसको ब्लेंडर कर लेती हूँ, इसको प्यूरी बना लेती हूँ। पाव मैंने दूध लिया है 3 कप के जितना, इसी में से मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर में दूध डाल के घोलेंगे क्योंकि तो इसमें गुठले पड़ जाएंगे, तो हमने थोड़ा सा उसमें दूध डालेंगे और इसको मैं कॉर्नफ्लोर को इसमें डाल के घोल लेती हूँ, फिर मैं इसी में डाल दूँगी इसको। अच्छा, इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ, ये दूध में मैंने घोल लिया था, इसी में हम अंडे डालेंगे, 3 अंडे लिए थे मैंने, मैं इसको भी डाल देती हूँ आधा कप और थोड़ा सा हम वैनिला एसेंस डालेंगे इसमें, ये मैंगो एसेंस और ज़्यादा नहीं डालना है, अपने चाय के चमचे के जितना ही डालना है आपको, बस इसको मिक्स कर लेना है और मैं इसको स्लो फ्लेम पे पकाती हूँ और उसके बाद इसके अंदर मैंगो प्यूरी भी डालूँगी साथ में। अच्छा, मैंगो प्यूरी मैंने इसको कर ली थी, अब मैं इसके अंदर वो भी डाल देती हूँ और मैं इसको बस चूल्हे पे स्लो फ्लेम पे हम बिल्कुल इसको पकाएंगे कि इतना पकाएंगे कि गाढ़ा हो जाए, बस हो गया। तो थोड़ा सा और पकाना है, फिर इसको मैं बंद कर दूँगी, सिर्फ 5 मिनट और मैं इसको पकाऊँगी, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया तकरीबन, इस तरीके से मोल्ड मिल जाते हैं उसमें डाल दिए, ये बॉल में डाल दें, किसी भी बॉल हो या बर्तन हो किसी में भी, ये नहीं है तो वो ज़रूर नहीं है, तो उसके अंदर डाल के इसको 4 से 5 घंटे इसको अब जमाने के लिए रख दें, ठंडा करके फ्रिज में रख दें और फिर इसको फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, इसको सर्व कर फिर इसको ठंडा सर्व करेंगे हम। मैंने निकाल लिया और इसको और अच्छी तरह जम चाहिए, इसके बाद हमने थोड़ा सा मैंगो स्लाइसेस रख लेंगे। अच्छा, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, इसको मैंगो के स्लाइस से आप इसको गार्निश कर लीजिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। उम्मीद आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।